करीना एक बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश लड़की थी। वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे कपड़े, बैग, सैंडल आदि जैसी चीजें खरीदा करती थी। साथ ही वो अपने हाथों और पैरों को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए रोज उन पर बदल बदल कर नेल पेंट लगाया करती थी। वो कभी मिरर नेल पेंट, तो कभी मैट नेल पेंट, तो कभी जेल नेल पेंट आदि लगाती रहती थी। उसकी माँ नीता और पिता हजली लाला अपनी बेटी की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन करीना के लिए गर्भित नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ सुरेखा के साथ उसे देखने उनके घर आता है। करीना अपने नाखूनों पर रेनबो के सातों रंग के नेल पेंट लगा लेती है और रेडी होकर सबके सामने आती है। अरे वाह, ये नाखून तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। लगता है बड़ी फुर्सत से नेल पेंट लगाया है इन पे। हाँ जी, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे ये सब करने में। वो तो दिख रहा है मुझे कि 10 उंगलियों पे 10 तरह के नेल पेंट लगाया है तूने। नीता बहन जी, वैसे हमारे टाइम पे तो बस एक ही रंग होता था, वो भी लाल। हाँ हाँ बहन जी, और आजकल तो सभी रंग आ गए हैं बाजारों में, जो चाहे वही लगा लो उंगलियों पे। जी बहन जी, सही कहा आपने। वैसे मुद्दे की बात तो ये है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो हमारी तरफ से रिश्ता एकदम पक्का है। जी जी बहन जी, बिल्कुल। इस तरह दोनों घर वालों की रजामंदी से उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और करीना और गर्भित की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। करीना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका नेल पेंट लव शादी के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो रोज ही नए नए कलर्स के नेल पेंट लगाकर अपनी सास को दिखाया करती। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे सुरेखा को अपनी बहू की इन आदतों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन करीना सलून से ग्लिटर नेल आर्ट करवा कर आती है और अपनी सासू माँ को दिखाती है। माँ जी देखिए ना, आज मैंने न्यू ग्लिटरी नेल आर्ट करवाया है, पूरे 10,000 का। क्या 10,000? अरे इतने में तो राशन आ जाता घर का, वो भी 1 महीने का, और तू इन नाखूनों पर 10,000 खर्च कराई, तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी शर्म कैसी, आप जानती है ना कि मुझे नेल पेंट और नेल आर्ट का कितना शौक है। अरे करम जली, तू अपने इन बेफिजूल के शौक को छोड़ और जाकर बर्तन धो रसोई में, कब से पड़े हुए हैं इतने सारे। कभी नहीं माँ जी, मैं बर्तन बिल्कुल नहीं धोऊंगी। अरे मेरा सारा नेल आर्ट खराब हो जाएगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे तू नहीं धोएगी तो कौन धोएगा? दहेज में नौकर लेके आई थी क्या 10-12? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जा जाके बर्तन धो। आहा जाती हूँ, जब देखो तब सुनाती रहती है, तारीफ तो कभी करती नहीं। अरे क्या तारीफ करूँ तेरी, हाँ बिना मतलब का पैसा बर्बाद करना। माँ जी आखिर इसमें बर्बादी क्या है, मेरे पति का पैसा है, मैं चाहे कैसे भी उड़ाऊं। करीना बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने हाथों पर पॉलिथीन बांध कर बर्तन धोना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। सुरेखा और गर्भित करीना के बेफसूल के नेल पेंट के खर्चों से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसे पैसे देना बंद कर देते हैं, जिससे अब वो ना तो नेल पेंट ला पाती और ना ही अपने नेल्स पर नेल आर्ट करवा पाती, जिसके बाद अब वो अपने घर पर पड़े पुराने नेल पेंट से अपने हाथों पर नेल पेंट लगाना शुरू कर देती है और प्रैक्टिस के लिए वो आस पड़ोस की लड़कियों के हाथों पर नेल आर्ट करना भी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे आस पड़ोस के सभी लोगों में करीना के नेल आर्ट की चर्चा फैल जाती है और उसके घर पर रोज कोई ना कोई नेल आर्ट करवाने के लिए आता ही रहता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब करीना अपने नेल आर्ट की वीडियो बनाकर YouTube
और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन गर्भित बहुत ही उदास हालत में घर आता है कि तभी उसे देखकर करीना बोलती है, सुनिए जी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों है, सब ठीक तो है ना? करीना मेरी जॉब। क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो कहिए क्या बात है? करीना मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि आज मेरी गलती की वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंपनी के हाथों से निकल गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चुप हो जाइए प्लीज। कैसे होगा बाबू, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं हूँ ना, मेरे रहते हमारी फैमिली को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और घर में आर्थिक तंगी छाने लगती है और हालत दिन पर दिन बदतर होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ करीना की फैन फॉलोइंग बढ़ने लग जाती है, साथ ही उसे यूट्यूब से इनकम आना भी शुरू हो जाती है। साथ ही अब वो अपना नेल आर्ट का सलून खोल लेती है, यहाँ वो लड़कियों को नेल आर्ट करना सिखाने लगती है और न्यू डिजाइन के नेल आर्ट खुद भी करती है। ये सब होता देखकर उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा से तुझे डांटा, पर आज तेरी ये नेल पेंट ने मेरे घर की खुशियाँ लौटा दी, हमारे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में हमारा साथ दिया। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप मुझे डांटती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है। अरे जुग जुग जियो मेरी नेल पेंट वाली बहू, तू सदा खुश रहे। तभी वहाँ गर्भित आ जाता है और बोलता है, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अरे जल्दी जल्दी बताइए ना। हाँ बेटा जल्दी बता। मुझे एक MNC कंपनी में जॉब मिल गई है और मुझे 2 महीने की एडवांस सैलरी मिली है। वाओ ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और एक तोहफा भी लाया हूँ तुम्हारे लिए जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ये लो। OMG इसमें तो डायमंड है। हाँ और वो भी तुम्हारे नेल आर्ट के लिए बेबी। थैंक यू सो मच गर्भित, मैं हमेशा से ही डायमंड नेल आर्ट करवाना चाहती थी, फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तभी तो लाया हूँ मेरी जान तुम्हारे लिए, जिस तरह तुमने मेरा और मेरे परिवार वालों का साथ दिया है उसके आगे ये डायमंड बहुत कम है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।